जय श्री कृष्ण आप सबको। मैं शालिनी सोनी अपने नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मदर्स डे है, तो सबसे पहले सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। और आज सब बच्चों के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट मैं भी कर रही हूँ, जैसे आप सब अपने अपने घरों में कर रहे होंगे। और मेरे बच्चों ने भी आज इतना अच्छा केक बनाया है हमारे लिए, और अभी दिखाती हूँ मैं आपको इनका केक बनाया हुआ। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने केक बनाया है, ये शान सोनी ने बनाया है। हेलो गाइस, मैंने बनाया है, एक घंटा लगा था बनाने में। तो इन्होंने इतनी मेहनत की है हमारे लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और इन बच्चों के साथ हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करेंगे और खाएंगे और खिलाएंगे। आइए बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। एक्चुअली जब वो हमारी कभी बात नहीं मानते तो हमको ये लगता है कि यार वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमसे प्यार नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे रियल में हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे ऐसे स्पेशल डेज पर वो चाहते हैं कि हम उनके साथ हर चीज़ इंजॉय करें, हर इवेंट को इंजॉय करें उनके साथ में। और बस यही है कि देखिए बच्चों की भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, तो जिस तरह से बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना पूरा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, उनको वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो इतने कन्फ्यूज होते हैं कि चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स को सारी बातें नहीं बता पाते हैं। ये हमें समझने वाली बात होती है कि हम अपने बच्चों की फीलिंग्स को किस तरह से समझते हैं उनके बिना बोले। तो आई होप बच्चों के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बच्चे सच में भगवान का ही रूप होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं।